चार लक्ष्मी है, बैंगी बैंगी भगवान के नाम पे कुछ दे दीजिए। बैंगी 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 इधर देखिए बैंगी 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 कमर में मत सूरत बहन जी दे दीजिए, बहन जी भगवान के नाम पे दे दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। बहन जी आप एक रुपया देंगी भगवान आपको 100 रुपया देगा। दे दीजिए बहन जी, गरीब पर दया कीजिए बहन जी। बहन जी देख कर ही तरस आ जाता है, लगता है इसे भी दाढ़ी पसंद आ गई। माली की सुबह वेस्ट बंगाल से आया है, इसको कंस्ट्रक्शन के लिए हमको भेजना है और सबम होटल भी जाना है। ठीक है, ये सब खत्म होने के बाद ये सब पूरा कर देना। ठीक हो ना बेटी? अब तो चक्कर वगैरह नहीं आता ना? नहीं सर, उस दिन सुबह से ही 2 शिफ्ट थी तो खाने के लिए टाइम नहीं मिला, इसलिए चक्कर आ गया था। अब ठीक हूँ। एक तरफ खाने का समय नहीं है इसलिए चक्कर है, दूसरी तरफ खाने का रास्ता नहीं है इसलिए चक्कर है। अब देखिए इनका नसीब क्या है, जहाँ पैदा हुए थे उस जगह को छोड़कर अनजान गांव में आकर अपने पेट पालने के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर मैडम जी, सर इन्हें किसी भी तरह की परेशानी हो तो दवाई लिखकर दे दीजिएगा, हम पर भरोसा करके आए हैं तो ख्याल रखना ही पड़ेगा ना। श्योर सर, यू आर ग्रेट। ऐसा मत कहिए मैडम, मैं क्या ग्रेट हूँ, जान आप लोग बचाते हैं तो ग्रेट भी आप ही हैं। दूसरी जगह काम करने के लिए मैं इन्हें भेजता हूँ और जो कमीशन मिलता है उससे अपनी रोजी चला रहा हूँ, तो फिर मैं कहाँ से ग्रेट हो गया भला। हेलो, आपने तो कहा था कि आप कोई अच्छी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं। क्यों? इस काम में कोई कमी है क्या? मेरे हिसाब से भीख नहीं मांगना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। भीख एक बार ओके है, झूठ कभी कभी बोल सकते हैं, चोरी नहीं करनी चाहिए, बस इतना ही। हाँ वैसे एक चश्मा बेचकर आपको कितना मिल जाता है? 5 रुपए मिल जाता है और शाम के टाइम तो बहुत अच्छा धंधा हो जाता है। ठीक है, मैं आपके बेचने में कुछ मदद कर देती हूँ। मुझे मदद नहीं चाहिए, मैं खुद सारे बेच दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, ये तो मेरा रोज का काम है। आप जाइए, मैं देख लूंगा। आपने श्वेता को सही सलामत घर पर लाकर छोड़ा, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? आइए ना, गाड़ी पर बैठिए। जगह पे है ना? अच्छा, मैं आपके साथ इस गाड़ी पे बैठकर दोनों साथ मिलकर ये चश्मे बेचेंगे। अरे क्या हुआ, चश्मा खरीदने वाली लड़की के साथ टाइम पास कर रहा है? ड्यूटी पे है इस समय, ड्यूटी पे। यहाँ पे डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है, चलो हम कहीं और चलते हैं। एक कनेक्शन क्यों कट रहा है? ए ए ए सुन, ए ए हेलो अंकल, ये सनग्लासेस आपकी आंखों को ठंडा रखेगा और धूप से भी बचाएगा, इसे आप कितनी भी देर के लिए पहन सकते हैं। जी हाँ अंकल, बिल्कुल, इस चश्मे को थोड़ी देर पहनिए, उसके बाद कहाँ देख रहे हैं पता भी नहीं चलेगा। और बहुत देर तक पहनेंगे तो आपको भी नहीं पता चलेगा। सर प्लीज सर, ये देखिए ना सर, बहुत अच्छी क्वालिटी है सर, सर एक ले लीजिए ना सर, सर प्लीज सर। चेहरे पर पेट का चमड़ा आया है क्या अंकल? ऐसे थोबड़े पे चश्मा पहनोगे तो ही अच्छा लगेगा। अरे आंटी आंटी, एक ले लीजिए ना प्लीज। हाँ आंटी। हाँ आंटी, तुम जरा चुप रहोगे प्लीज? मेरे लिए एक ले लीजिए ना। अच्छा ठीक है, दे दो। थैंक यू आंटी। सारे सनग्लासेस बेच दिए और 2 बचे हैं। रुको, कोई बेवकूफ मिलता है क्या, देखते हैं। मिल गया। कौन है? मैडम। अरे ओ, हरी साड़ी वाली मैडम बुला रही है और आप ऐसे ही चली जा रही हो। चलती रहिए, रुकना मत। दो ना, मैं बेचती हूँ। हाँ मम्मी। मैडम सिर्फ 2 ही सनग्लासेस बचे हैं, इनके लिए ले लीजिए प्लीज। हा? इनकी माँ की दिमागी हालत बहुत खराब है। और इनकी बहन किसी के साथ भाग गई, लव मैरिज। हाँ इसे बेच पाएंगे तभी इनकी माँ का इलाज हो पाएगा। ले लीजिए ना मैडम प्लीज। तो फिर बेच के इसकी माँ को बचा ले, पैसे दे दे। थैंक यू मैडम। बहुत धन्यवाद माँ जी, आपकी बेटी सुखी रहे। देख दिव्या, जो चीज नहीं है उसे बताना ही गलत है, वो खुद की नौकरी को छिपा के तेरे पीछे घूम रहा है, सो मुझे वो आदमी गलत नहीं लग रहा है। हाँ ठीक है, अनजाने में सब कुछ हुआ, तेरे दिल में अगर कुछ नहीं था तो नौकरी दिलाने के लिए उसे क्यों घुमा रही थी? तू अपने काम से काम रखना। जो मुझे सही लगा वो मैंने कह दिया, बाकी तेरी मर्जी। ए, जरा वहाँ देख। भैया 2 चाय देना।
आजकल की लड़कियां तो लड़कों के सच्चे प्यार को समझती ही नहीं है, लेकिन मेरा नसीब अच्छा है जो तुम मेरे प्यार को समझ गई। अरे जाओ जाओ, जब से आए हैं तब से दिल वेल प्यार ऐसी बातें कर रहे हो। मुझे समझ में आती है एक ही चीज, पैसा देने वाले से वफादारी करना। सर बिल, पैसों के बारे में बात कर रही थी, बिल ही आ गया। जाकर बात करना। अच्छा सुनो, बिना पूछे नहीं छोड़ो। अभी आगे हम पार्क में जाएंगे ना? हम पार्क में नहीं जाएंगे, भीड़ ज्यादा होती है। तुम अगर चाहो तो होटल में जाए क्या? ए, जाकर पूछना उससे। मैं नहीं। चल जल्दी जा। होटल ही। पॉसेसिव नर्स पड़ गई। जाकर नहीं है क्या? स्टॉप द नॉनसेंस। मेरी लवर से तुम क्यों बात कर रही हो? किसी की चमचागिरी करने के लिए आई हो क्या? आई हूँ। ऐसी बातें करते तुझे शर्म नहीं आती? पता चल गया। सरेआम लेके घूम रही है, लेकिन दिव्या तुझे कच्चा चबा जाएगी। जो करना था वो यहाँ नहीं है मैडम, क्राइम में पूछिए। अंदर है क्या? हाँ मैडम। इंस्पेक्टर साहब के आने से पहले खत्म करो। सर वो जरूरी केस छोटे साहब देखते हैं, उनसे जाकर मिलिए। ठीक है? गाड़ी का नंबर बताइए। TN10AK1255। आपको कैसे पता गाड़ी इसकी को? मम्मी ने बताया होगा। तो उनके दादा होंगे। एक जवान लड़की घबराई हुई पुलिस स्टेशन में आ रही है, तो या तो उसका दिल खो गया होगा या फिर उसकी गाड़ी खो गई होगी। आपको देखकर ऐसा लग रहा है आपका दिल तो नहीं खोया होगा। अपनी पहचान और पता बताइए। गाड़ी के लिए येलो कलर वेस्पा, साइड मिरर भी टूटा हुआ होगा। अब क्या करूं? कॉलेज टाइम पे लड़कियों की बजाय अगर बुक को फॉलो किया होता तो हम IAS IPS क्या अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके होते। चलिए छोड़िए, आपकी गाड़ी के पीछे वो इंडिकेटर होता है वही ना भाई? पहचान। अच्छा, के लिए। पहचान के लिए। हाँ वही। हाँ। चेहरे पर जले का निशान, कमर में चोट, होठों पर तेल। ओए, होठ पे तेल, इसकी गाड़ी सिमरन है क्या? जाओ ना अपना काम करो ना जाके। रॉब तो ऐसे झाड़ा जैसे कमिश्नर बन गया। अगर आपके गाड़ी की आप कोई स्पेशल पहचान बता पाओगी तो हमें ढूंढने में आसानी होगी और इन्वेस्टिगेशन भी आसान होगा। बताइए। मेरी गाड़ी के पीछे लव इज गॉड लिखा है। बस गाड़ी पे ही लिखा है क्या? पर यहाँ लव का मतलब कुछ और ही है समझे? वहाँ पर कैसा है पता नहीं, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ लव ही है। गाड़ी कब तक मिल जाएगी? मिल जाएगी। इस शहर में सारे लवर जहाँ मिलते हैं ना, वो पार्क उसका नाम जीवा पार्क। अब आपको कैसे पता चला? मेरे घर के पास ही है। तो फिर कल शाम को 5 बजे जीवा पार्क आ जाइए, दोनों मिलते हैं ना। गाड़ी चाहिए या नहीं चाहिए? कब आएगी मेरी गाड़ी? क्या कहा? किसकी गाड़ी? मेरी गाड़ी। लेकिन टाइम तो अभी 5:30 ही हो रहा है और अभी गाड़ी मिलने का टाइम भी तो खत्म हो गया है और आपसे भी पहले बहुत सारे लोग लगे होंगे। कमाल है, आप तो थोड़ा भी वेट नहीं कर पा रही हैं। कैसे कैसे लोग होते हैं। बट वेट करने के लिए गुस्सा भी बहुत आता है ना। तो फिर चलो ना, चलकर पार्क घूम लेते हैं। फोन करूंगा तो गाड़ी को ले आएगा। हेलो सर, आते समय पुलिस के पास फंस गया हूँ सर। कितना भी बोला वो लोग सुन ही नहीं रहे। अबे वो जरा उनसे मेरी फोन पे बात करा देना। वो लोग बोल रहे हैं फोन पर बात नहीं करेंगे सर। टेन मिनट्स यहीं पर वेट करो। मैं ओके, बी केयरफुल। अरे यार, कोई लव का चक्कर है साहब, को कुछ चढ़ावा चढ़ा दे। एक पुलिस से दूसरी पुलिस मांग रही है, कमाल है। पुलिस का तो पुलिस वाला ही ध्यान रखेगा ना। मेरी गाड़ी यहीं पर रहने दो, थोड़ी देर के बाद आके लेके जाऊंगा। यार ये तो जा रही है, कितनी भी मेहनत करो वर्कआउट ही नहीं हो रहा है। आपको कहाँ जाना है बताइए, मैं ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी आपके घर वालों को पुलिस वाला तो पसंद आता है नहीं। उसके बावजूद भी मैं आपके साथ आऊंगा तो फालतू में बात का पतंगड़ बन जाएगा। कोई बात नहीं, मैं ऑटो से चला जाऊंगा। आप मेरे घर वालों को पसंद नहीं है मुझे पता है, मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे भी पसंद नहीं है। वैसे भी आपने मेरी दीदी की बेटी की जान बचाई है, अगर एक छोटा सा झूठ बोल भी दिया तो क्या हुआ।